गर्मियाँ अपने परवान पर है और अगर आपको एक बेस्ट एयर कूलर की तलाश है तो आज की इस वीडियो में ये तलाश भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज हम क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे हैवेल्स प्रेडो एयर कूलर का, जो कि इस कैटेगरी के अंदर सबसे शानदार एयर कूलर है। क्या कुछ है खास जानेंगे आगे के इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों ये है हमारी मेन यूनिट, व्हाइट एंड डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत स्टडी है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी शानदार है। लगभग इस कूलर का वजन 22 किलो के आसपास का कूलर का वजन है। सामने की तरफ तीन नॉब दी हुई है, एक स्विंग को कंट्रोल करेगा, एक फैन की स्पीड और एक पंप को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे सामने हैवेल्स का ब्रांडिंग है। जो लोअर सही है फुल्ली कोलैप्सिबल है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि मक्खी मच्छर सीधे अंदर नहीं जा सकते और उनको एक घर नहीं मिलता है, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। मैनुअल वाटर फिल करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं और वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है। नीचे की तरफ जो व्हील्स हैं उनमें लॉकिंग सिस्टम भी दी हुई है कि अगर इसको कोई बच्चा मूव नहीं करे तो उसकी वजह से आप इसको लॉक भी लगा सकते हैं, तो कोई भी इस कूलर को मूव नहीं कर पाएगा। कूलिंग मीडियम इसके अंदर हमें मिलता है हनी कॉम पैड के। यहाँ पे साइड में आपको इस पर डस्ट फिल्टर भी लगा हुआ है। डस्ट फिल्टर बेसिकली PM2.5 जो हमारे साइज के जो कण होते हैं उनको तो रोक लेता है और इसको उन्होंने नाम दिया है ब्रीथ इजी टेक्नोलॉजी। दोस्तों फिल्टर्स को निकाल कर अगर हम क्लीन करते रहेंगे तो हमारे हनी कॉम पैड की लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डस्ट होगी वो तो इस नेट तक ही रुक जाएगी और हनी कॉम पैड तक ज़्यादा कचरा नहीं जा पाएगा, तो हनी कॉम पैड का लाइफ भी बढ़ जाएगा। ये अगर इसके वैक्यूम की अगर हम बात करें तो हनी कॉम पैड का साइज़ काफ़ी बढ़िया साइज़ है और यहाँ पे ये कॉर्ड वाइंडर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ हैवेल्स के कस्टमर केयर के नंबर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। इसमें 220 वॉट का इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, लगभग मतलब कि आप 4.5 घंटा चलाएंगे तब एक यूनिट बिजली का बिल आएगा। ऑटो फिलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इसमें पाइप कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, जिससे पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी लेता रहेगा चलता रहेगा। और यहाँ पर ऑटो ड्रेन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑटो ड्रेन बेसिकली यहाँ पे सामने जो आइस चैम्बर है, आइस चैम्बर में एक नॉब दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। उस नॉब में एक ऑप्शन है ऑटो ड्रेन का, जब आप उसको ऑटो ड्रेन पर कर देते हैं तो उसका पंप ऑन हो जाता है और जहाँ मैंने आपको ऑटो ड्रेन वाला जो पॉइंट बताया था वहाँ से वो सारा जो गंदा पानी उसको बाहर फेंक देगा। ह्यूमिडिटी कंट्रोलर में बेसिकली जो पानी पैड पर गिरता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कम पानी पैड के ऊपर गिरता है तो रूम में मॉइस्चर भी कम आता है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। हमने इसका एयर फ्लो की अगर हम बात करें और इसकी नॉइज़ को, तो एयर फ्लो काफ़ी शानदार है और नॉइज़ काफ़ी कम है। इसकी जो ब्लेड है वो एल्यूमिनियम की ब्लेड दी हुई है जो काफ़ी हद तक नॉइज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि प्लास्टिक की हल्की ब्लेड होने से कई बार नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एयर फ्लो काफ़ी शानदार है। मोटर 220 वाट की होने की वजह से वो जो एल्यूमिनियम की ब्लेड है उसका वेट सह पाती है और उसके रोटेशन हमें बराबर मिल जाते हैं, हमें एयर फ्लो भी बढ़िया मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। कोई सवाल या फिर सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स से उसका यूज़ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।